Hello everyone, we have already discussed about the motion and force. So in this video we will discuss about the Newton's law of motion. So there are three type of laws of Newton's related with the motion. So according to the Newton's first law of motion, it tells us about ki koi object agar rest state mein hai और वो एक यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो इट विल रिमेन एज इट इज़ अंटिल हम उस पर कोई आउटर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जब तक हम आउटर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। दिस लॉ इज ऑल्सो स्टेट्स दैट लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मीनिंग क्या होता है? इनर्शिया क्या है कि ये एक नेचुरल टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट्स की। जो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको रेस्ट में रखना चाहती है और कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसको मोशन में रखना चाहती है। इस टेंडेंसी को हम इनर्शिया बोलते हैं। सो दिस फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया। नाउ द सेकेंड लॉ, first we will see the examples of inertia before starting the second law. What examples we can tell? ki first example hai ki koi striker hits a pile of coin. just before this one ki is example mein aap dekhte hain ki yahan pe ye coin rakha hua hai. agar hum is cardboard ko पुश करते हैं यहाँ से तो ये कॉइन आगे मूवमेंट की बजाय अपने इसी पोजीशन पे रहेगा और ग्लास में ड्रॉप डाउन हो जाएगा। तो दिस लो इज टेलिंग अस अबाउट द इनर्शिया कि इनर्शिया के अकॉर्डिंग हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो इस कार्डबोर्ड पे किया, बट ये फोर्स कॉइन पे अप्लाई नहीं हुआ इसलिए कॉइन अपनी पोजीशन पे रहा और वो ग्लास में ड्रॉप डाउन हो गया। नाउ द सेकंड एग्जांपल है कि कॉइन प्लेस्ड ऑन अ प्लेइंग कार्ड ओवर अ थम्बलर इज फ्लिंकर्ड विद द फिंगर ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट द कॉइन फॉल्स डाउन इन टू द टम्बलर। नेक्स्ट है कि व्हेन वी ट्रेवल इन अ कार एंड द ड्राइवर अप्लाईज द ब्रेक सडनली, हम कार में मूव कर रहे हैं और ड्राइवर सडनली ब्रेक अप्लाई करता है तो ऑलवेज हम आगे की ओर मूव करते हैं, फॉरवर्ड कंडीशन में मूव करते हैं। और सपोज़ हम बस के अंदर सिटिंग है और बस के अंदर सिटिंग है और सडनली बस मूवमेंट स्टार्ट करती है तो हम ऑलवेज पीछे की ओर मूव करते हैं, बैकवर्ड कंडीशन में मूवमेंट करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है दोनों का? इनका रीज़न इनर्शिया ही है। जैसे सपोज इस फर्स्ट एग्जांपल में मैं एक्सप्लेन करूं कि ड्राइवर सडनली ब्रेक अप्लाई करता है तो बस रेस्ट कंडीशन में आ जाती है और बस के साथ साथ हमारी जो लोअर साइड है जो बस के कॉन्टेक्ट में है वो तो रेस्ट में आ जाती है, बट जो अपर साइड है जो बस के कॉन्टेक्ट में नहीं है वो अभी भी इनर्शिया के कारण मूवमेंट में रहना चाहती है। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ब्रेक अप्लाई होने पर हम फॉरवर्ड मूव करते हैं। सपोज वी आर सिटिंग इन द बस, बस में बैठे हैं हम लोग और बस अचानक से स्टार्ट होती है। यू कैन फील कि जब बस अचानक स्टार्ट होती है तो हम बैकवर्ड साइड में मूव करते हैं, तो उसका रीज़न भी यही है इनर्शिया। नाउ वी आर इन द कॉन्टेक्ट विद द बस और बस किस कंडीशन में? रेस्ट में, तो हमारी बॉडी भी रेस्ट में। इट्स मीन जैसे ही बस मूवमेंट करना स्टार्ट करती है तो बस के साथ साथ हमारा जो पार्ट सीट से कॉन्टेक्ट में है वो तो मूविंग कंडीशन में आ जाता है, बट ड्यू टू इनर्शिया जो हमारा अपर पार्ट है वो अभी रेस्ट में ही रहना चाहता है। और इसी कंडीशन के कारण जो हमारा लोअर पार्ट जो सीट के साथ कॉन्टेक्ट है वो तो बस के साथ मूव करता है और जो अपर पार्ट है वो इनर्शिया के कारण वहीं रहेगा रेस्ट में, इसलिए हम बैकवर्ड साइड में मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट आप इस एग्जांपल में यू कैन सी कि जैसे ही ये कार इससे
स्ट्राइक होती है तो मैन यहाँ से कार से जंप करके फॉरवर्ड कंडीशन में मूव करता है। उसका रीज़न क्या है कि कार तो इससे स्ट्राइक होते ही रेस्ट में आ जाती है, बट मैन इनर्शिया के कारण अभी भी मूवमेंट में रहना चाहता है और इसीलिए वो फॉरवर्ड फॉल हो जाता है। नाउ द इनर्शिया एंड मास, दोनों में क्या रिलेशन है? दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इट्स मीन अगर हम मास इंक्रीज कर रहे हैं तो इनर्शिया इंक्रीज हो जाती है। अ बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन कंटिन्यूज टू बी इन मोशन। दिस प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया। आई ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट दैट। जो इनर्शिया होता है दैट इज मीजर्ड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। यानी जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है जो किसी बॉडी को चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, दैट इज मेजरमेंट ऑफ द इनर्शिया। द फोर्स विच इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ हैवियर बॉडी इज मोर देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ लाइटर बॉडी। यू कैन सी इस पिक्चर में कि ये लाइटर बॉडी है, ये हैवियर बॉडी है। लाइटर बॉडी को हम इजीली पुश या पुल कर सकते हैं क्योंकि हमको लेस फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है ड्यू टू लेस मास। बट जो हैवियर बॉडी है उसका मास बहुत ज़्यादा है और उस कंडीशन में हमको बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है एंड वी कैन नॉट चेंज इट ईजीली। इसकी पोजिशन को हम ईजीली चेंज नहीं कर सकते। इट्स मीन जितना हायर मास होगा उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा। तो द मास ऑफ बॉडी इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। नेक्स्ट जो है सेकेंड जो लो है दैट इज लोज रिलेटेड टू द मोमेंटम। जो न्यूटन सेकेंड लो ऑफ मोशन है दैट इज रिलेटेड विद द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। और मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है दिस मोमेंटम मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जो मास और वेलोसिटी है यानी एम और वी दोनों का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मीन्स मल्टीप्लाई है मोमेंटम। इट्स मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। तो पी इक्वल मास को हमने एम से डिनोट किया और वेलोसिटी को हमने वी से डिनोट किया। इट्स मीन पी इक्वल एम वी। बॉडी इज एट रेस्ट, इट्स वेलोसिटी इज ज़ीरो। अगर बॉडी रेस्ट पे है इट्स मीन वी आपके पास अगर ज़ीरो है तो मोमेंटम ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ज़ीरो। क्योंकि यहाँ पे अब आप ज़ीरो पुट करोगे तो मोमेंटम ज़ीरो हो जाता है। ऐसा ही यूनिट क्या हो जाएगी मोमेंटम की? मास को हमने किस में शो किया? किलोग्राम में। और वेलोसिटी को हमने किस में शो किया? मीटर पर सेकंड में। इट्स मीन मोमेंटम की जो ऐसा यूनिट होगी वो होगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या इसको हम किलोग्राम मीटर सेकंड इन्वर्स भी लिख सकते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? अ ट्रक मूविंग एट अ वेरी लो स्पीड कैन किल अ पर्सन स्टैंडिंग इन इट्स पाथ बिकॉज ऑफ द हैवी मास ऑफ द ट्रक। ट्रक मूव कर रहा है, उसके आगे कोई पर्सन है तो उसको किल कर सकता है। उसका रीज़न क्या है कि जो ट्रक है उसका मास बहुत ज़्यादा है। अ बुलेट ऑफ स्मॉल मास व्हेन फायर्ड फ्रॉम अ गन। अब एक बुलेट है बहुत छोटी सी है, जब वो फायर होती है तो वो भी एक पर्सन को किल कर सकती है। उसका रीज़न है कि उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। मीन्स सेकेंड कंडीशन में मास कम है, वेलोसिटी ज़्यादा है। फर्स्ट कंडीशन में मास बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है। इट्स मीन मास इंक्रीज होगा तो भी मोमेंटम इंक्रीज होगा और मास डिक्रीज होगा तो भी मोमेंटम डिक्रीज होगा। नाउ द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ जो मोशन है दैट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इट्स मीन जो मोमेंटम में चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है सेकेंड लॉ का। तो वी विल जस्ट सी कि कैसे हम सेकेंड लॉ का मैथमेटिक फॉर्मूलेशन करेंगे। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, उसका मास एम है, वो एक
इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है। सपोज इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी तक जाने में इसने टाइम लिया टी, और इस पे जो फोर्स अप्लाई किया दैट इज एफ। तो वी विल जस्ट गेट इट फॉर्मूला कि हाउ वी आर गेटिंग दिस एफ इक्वल एम ए, हमको ये एफ इक्वल एम ए कैसे मिला। जस्ट सी, देखो इनिशियल मोमेंटम, सपोज हमने उसको पी वन माना, इनिशियल मोमेंटम हो गया पी वन इक्वल एम यू। अब फाइनल मोमेंटम सपोज दैट इज पी टू, तो पी टू इक्वल हो गया एम और वी। अब देखो मोमेंटम में कितना चेंज आया, तो मोमेंटम में चेंज डेल पी इक्वल हो गया हमारा पी टू माइनस पी वन। डेल पी मैंने मोमेंटम में चेंज को शो किया है, पी टू कितना है एम बी माइनस एम यू। देखो एम दोनों में कॉमन है तो आप इसको कॉमन ले सकते हो, तो ये हो गया डेल पी इक्वल एम, आपने कॉमन लिया, ब्रैकेट में हो गया वी माइनस यू। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब देखो सेकंड जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस फर्स्ट इक्वेशन को हम आगे पुट करेंगे फॉर्मूला में। अब अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या स्टेट करता है कि जो फोर्स है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया ये, और रेट का मीनिंग आप इसमें टी से डिवाइड कर दोगे, इट्स मीन एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट डेल पी अपॉन टी। अब यहाँ पे आपको इस डेल पी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पुट करनी है, तो फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पुट करने के लिए एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी की वैल्यू हो गई हमारे पास एम ब्रैकेट वी माइनस यू अपॉन टी। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा है जो हम फर्स्ट इक्वेशन से ले सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग a इक्वल होता है v माइनस यू अपॉन टी, ये किसके इक्वल होता है a के इक्वल। इस वैल्यू को आप पुट करोगे इक्वेशन यहाँ, ये इक्वेशन टू है, इस इक्वेशन टू में आप v माइनस यू अपॉन टी की वैल्यू पुट करो, एंड यू आर गेटिंग एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू दी एम एज इट इज आएगा, और वी माइनस यू अपॉन टी की जगह आपने रख दिया ए। अब इस प्रोपोर्शन के साइन को आपको हटाना है, तो इस साइन को हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट यूज़ करोगे, और कांस्टेंट हमने यहाँ यूज़ करा के, इट्स मीन के इक्वल एम ए। के इक्वल आपने यूज कर लिया, के एफ इक्वल के एम ए। सपोज यहाँ पे के क्या है, के प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, तो इस के को हम वन मान सकते हैं, के इक्वल आपने यहाँ पे रखा वन। तो f इक्वल क्या हो गया, f इक्वल k की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो f इक्वल हो गया m a, जो आपको शो करना था कि f इक्वल m a कहाँ से आया, तो f इक्वल आ गया m a। दिस इज़ द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे आपको F की SI यूनिट निकालनी है, तो F की SI यूनिट निकालने के लिए देखो M की यूनिट होती है किलोग्राम,
और एक ही यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे देखो एम की ऐसा यूनिट हो गई किलोग्राम, और एक ही ऐसा ये जो ए है उसकी ऐसा यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इट्स मीन फोर्स की ऐसा यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। इसी को हमने क्या बोला? न्यूटन। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन, जिसको सिंबल एन से शो करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, दिस स्टेट्स दैट्स टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। मीन्स जितनी भी एक्शंस होती हैं उनके इक्वल इन और अपोजिट डायरेक्शन में एक रिएक्शन होती है जो दो डिफरेंट बॉडीज पे अप्लाई होती है। तो इसको सपोज वी आर हैविंग दिस एग्जाम्पल, हमने क्या प्रूव किया कि हमने दो स्प्रिंग बैलेंस लिए ए और बी, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। फिक्स स्प्रिंग बैलेंस बी टू ए रिजिड सपोर्ट, बी को हमने यहाँ इस रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स कर दिया। जब आप फोर्स अप्लाई करोगे ए पे, ए को आपने पुल किया, बोथ स्प्रिंग बैलेंस शो द सेम रीडिंग्स, दोनों में सेम रीडिंग्स आएंगे जब आप यहाँ पे ये फोर्स अप्लाई कर रहे हो ए पे। तो जैसे ही आपने इसको पुल किया इस डायरेक्शन में, तो दोनों में ये जो रीडिंग है वो रीडिंग आपको सेम मिलेगी। दिस शोज दैट द फोर्स एग्जर्टेड बाय द स्प्रिंग बैलेंस ए एंड बी इज इक्वल, बट इन अपोजिट डायरेक्शन दिस फोर्स एग्जर्टेड ऑन स्प्रिंग बैलेंस बी ऑन ए। सो दिस इज शोइंग दैट एवरी एक्शन इज हैविंग अपोजिट रिएक्शन ऑल्सो। एग्जाम्पल्स हैं इसके एक्शन एंड रिएक्शन के, कि वैन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन इट एग्जर्ट्स अ फॉरवर्ड फोर्स ऑन द बुलेट एंड द बुलेट एग्जर्ट्स द एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन दी गन। जब हम फायर करेंगे तो बुलेट पे सपोज इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो यू विल फील ऑन योर शोल्डर्स अ बैक फोर्स। यहाँ पे ये बैक साइड में गन पे एक फोर्स अप्लाई होगा, सेम इक्वल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। सेकेंड, वेन अ सेलर जम्प्स आउट ऑफ अ बोट, यहाँ पे देखो जब ये यहाँ से जंप कर रहा है, इट्स मीन ये फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है, तो ये जो बोट है बोट पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में बैक साइड में हो रहा है, बट दोनों फोर्स इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इट्स मीन इट इज शोइंग द एक्शन एंड रिएक्शन। थर्ड एग्जाम्पल, वैन एन एयर फिल्ड बैलून इज रिलीज्ड, ये एयर फिल्ड बैलून है, जब इसको रिलीज करेंगे तो एयर कमिंग आउटसाइड, यहाँ से एयर बाहर आएगी, तो दिस इज एक्शन, और ये बैलून पीछे की ओर मूव करेगा तो दिस इज द रिएक्शन। वैन अ रॉकेट इज फायर्ड द फोर्स ऑफ द बर्निंग गैस इज कमिंग आउटसाइड, जब ये रॉकेट फायर्ड होता है तो यहाँ से ये गैसेस बाहर आती है, हॉट गैसेस, और जो दिस इज़ द एक्शन, एंड जो रॉकेट होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, तो दिस इज़ द रिएक्शन। सो एवरी एक्शन इज शोइंग द अपोजिट इक्वल रिएक्शन। दिस